क्या बात है। और ये फिल्म हमारे लिए सेलिब्रेशन थी। मैंने इस फिल्म को पहले सीरियसली नहीं लिया था। So jackfruit is my favorite fruit. Oh? And Guneet's my favorite producer. Wonderful. So it's a combination of favorites. एक तो आप वो मनप्रीत का फोन आया कि मनप्रीत इज आर प्रोड्यूसर एट सिखिया मनप्रीत और उसको मैं इरफान भाई के जमाने से जानता हूँ तो मुझे बोले कि एक फिल्म है कटहल। मैंने कहा सटहल मतलब सटल तो बोले नहीं कटहल। तो मैंने कहा कटहल ओके कटहल हीरो है इसका। तो बोले कि नहीं कटहल नहीं है इसकी एक कहानी है। किसने लिखी है? अशोक मिश्रा जी ने। तो मेरे थोड़े कान खड़े हुए। मैंने थोड़ा सा इसको गंभीर लिया। फिर बोले हमने कहा हमारी भूमिका क्या है? बोले एक जर्नलिस्ट की भूमिका है। तो हमने बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। हमने कहा दो चार सीन में न्यूज़ पढ़ने के लिए बुला लेंगे। और मैं जेन्युइनली किसी एक अच्छे पत्रकार की भूमिका बहुत दिनों से तलाश में हूँ और आगे भी तलाश में हूँ कि अलग शेड में भी कोई पत्रकार, क्योंकि मैंने ऐसे दो चार पत्रकार देखे हैं जिंदगी में जो शायद उनके जीवन की अगर कभी फिल्म बनके और पर्दे पे आ जाए तो शायद वो दुनिया के लिए बहुत बच्चों के लिए प्रेरणा बन सकती है। तो फिर उन पता लगा डायरेक्टर यशवर्धन तो उनके पुत्र हैं। फिर इन्होंने जितना मेरा कभी इतना ना तो ट्रायल चलता है ना इतना कभी इससे मीटिंग जूम मीटिंग कभी मेरी कार रुकवाई जा रही तो मैं बोला कि ये बना क्या रहे हैं। और धीरे धीरे मैं सीरियस होने लगा। फिर मुझ बहुत दिनों से ऑफिस में किसी को नहीं गया था। ऑफिस बोला सर आपको 2 घंटे ऑफिस में आना पड़ेगा। हमने 2 घंटे ऑफिस में क्या करवाओगे? बोले कपड़े पहनाने। तो मैंने कहा राजपाल यादव 2 घंटा कपड़ा 2 मिनट में तो अपनी पैंट शर्ट पहन लेते हैं। फिर गया तो वहाँ पे 15-20 नारी शक्तियाँ मतलब कोई ये लेके घूम रहा है कोई ये। तो मैंने कहा ये शूटिंग है कि सेलिब्रेशन? एक्चुअली ये सेलिब्रेशन की तरह फिल्म करने का सौभाग्य मिला। इसमें फ्रॉम द फर्स्ट ट्रायल से लेके जिस तरीके से फिर इन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ने को दी फिर प्रॉपर एक भी चेंजेस हो तो उसको दें फिर उसके बाद में इसकी सेटिंग शुरू हुई और फिर इसके बाद जब गेटअप शुरू हुआ तो सच में मैंने कहा कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन नहीं है लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन का अगर एक पात्र के रूप में ईमानदारी से हिस्सा हो जाओ तो फायदा ही फायदा है। और मैं इसको एक्चुअली इतने ये शूटिंग यहाँ से लेके जहाँ जहाँ इसकी इतनी गर्मी थी और जिस तरीके से पूरी टीम ने और मैं आज एकता को सैल्यूट करता हूँ या गुनीत को और स्पेशली नेटफ्लिक्स को कि आप लोगों को स्क्रिप्ट की इतनी अच्छी समझ है कि मतलब धोखे से ये अच्छी फिल्म मेरे हाथ में आ गई। और मैं और मैं सौभाग्यशाली हूँ इस टीम का हिस्सा होने में और मैंने बहुत इन्जॉय किया। आई बिकेम लाइक स्टूडेंट क्योंकि कभी होता ना कि ये फिल्म के साथ में प्रॉपर एक प्रोसेस में थिएटर की तरह तैयारी चल रही जिस तरीके से किया वो आज भी वो ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला वो अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू ऑल लव यू ऑल। मैं सान्या आपसे पहले पूछना चाहूंगी लाइक द कैरेक्टर ऑफ अ कॉप इज वन सच कैरेक्टर जो हर किसी की विशलिस्ट में होता है स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फीमेल एक्टर्स। मुझे नहीं पता था कि एक्टर्स की विशलिस्ट होती है और इसमें नंबर वन होता है कॉप प्ले करना। मेरे आई थिंक आई एम वेरी लकी कि आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई फेल इन लव विद यू नो द फिल्म इन टोटैलिटी। गुनीत ने मुझे वन लाइनर दिया राइट आफ्टर पगलेट। आई थिंक विद इन फ्यू मंथ्स शी कॉल्ड मी एंड शी वॉज लाइक मेरे पास ना एक वन लाइनर है मैं तेको सुनाना चाहती हूँ हम जूम कॉल करते हैं एंड वेरी हैप्पीली आई वॉज लाइक पगलेट कितनी मज़ेदार थी मैं ये तो सुनने ही वाली हूँ। एंड वी गॉट ऑन अ जूम कॉल शी गेव मी द वन लाइनर एंड आई फेल इन लव विद इट एंड देन आई मेट यशो और उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई। तो इन टोटैलिटी तो आई वॉज रियली हैप्पी टू बी प्लेइंग दिस कैरेक्टर एंड ऑल्सो इट वॉज अ चैलेंज इन इटसेल्फ क्योंकि मेरी कोई इंटरेक्शन पुलिस वालों से आज तक हुई नहीं है। आप मिली भी नहीं पुलिस वालों से? नहीं पर मैं प्रेप के दौरान मिली एंड आई गॉट टू यू नो एक्सपीरियंस कि हम जो यूनिफॉर्म
देखते हैं उससे थोड़ा डर भी लगता है बट आई ऑल्सो सॉ कि दे आर बियॉन्ड दैट देयर लाइफ इज लाइक आई रिमेंबर हम लोग प्रेप के लिए ग्वालियर में थे और हमें एक पुलिस ऑफिसर के साथ यशो और मुझे मौका मिला टू बी इन हर ऑफिस इन वन कॉर्नर एंड सी हाउ शी वर्क्स तो वो केसेस भी सॉल्व कर रही थी और साथ साथ में घर के भी केसेस सॉल्व कर रही थी कि बच्चे ने खाने नहीं खाया तो उनका कॉल आ रहा है कि मेरे को घर भी जाना है बच्चे को खाना खिलाना है और बहुत छोटा बच्चा था उनका टू सी दैट To see the reality, to see the real side of a cop, मुझे लगता है हमने बॉलीवुड में वो एक्सपीरियंस और वो चीज़ वो साइड दिखाया नहीं है हम दिखाते हैं कि वो मार रहे हैं मार धाड़ हो रही है और वो दो कार के सामने बैठ कर आ गए हैं वैसा वैसा भी देखा है बट इट्स अ वेरी रियल स्टोरी एंड आई थिंक आई एम सो लकी टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक महिमा दिस इज माई 29th ईयर एट वर्क एंड आई कम्प्लीट 30 ईयर्स नेक्स्ट ईयर आई थिंक देयर शुड बी अ राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस कम ऑन And one thing I've learned in 29 years is that once you've been enabled, you have to become an enabler. And you have to use the resources that have been given to you or you have created to create many more young producers. And in Guneet, there is everything to become the next force to reckon with. And she's doing the same. So from being a young producer who started on her own, now she's giving younger talent a chance. So this is just a cycle. And you have to pass on the baton when it is necessary, pass on the stage and be ready to cheer for others. And this producer today who's won the Oscar is a clear example of what a woman can do when she decides to make entertainment, content, or take the matter in her own hands. And thank you, Netflix. And this is a meta moment. My young talent, Ruchika, to be actually here doing this. So it's fantastic to see an Oscar winner and a director at Netflix, both women who I totally believe in. देखिए ब्रदर मेरा क्या है मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी पेट से लेके गले तक भरा होता है वो एक अच्छा मस्खरा तो होता है लेकिन उसके अंदर एक गंभीर मशविरा भी होता है और मेरा शौक या मेरी हॉबी समझिए मैं समाज के उन कैरेक्टर्स पे हमेशा काम करने की कोशिश करता हूँ जो कैरेक्टर मुझे हुक दे दें कहीं पे हम लोग एक्टर हैं और मुंबई में रहते हैं जो मेट्रो सिटी में रहते हैं हम सब अगर मैं एक्टर नहीं होता तो शायद मैं भी उसी लाइन में बैठा होता कि मुझे कुछ ना कुछ अभिव्यक्ति टाइप ही कर पाता क्योंकि बाकी मुझे कुछ आता ही नहीं है आज सिनेमा के माध्यम से अभिव्यक्ति कर रहा हूँ अगर इसमें नहीं होता तो कहीं ना कहीं आपके माध्यम से कहीं ना कहीं देश की अभिव्यक्ति ही कर रहा होता किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर लेकिन जैसा कि अशोक जी ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है आफ्टर जाने भी दो यार हो आप एक मैं मेरा जो भी मैंने थिएटर या टेलीविज़न या फिल्म में जो भी किया 12-13 साल की उम्र से मैं अभिनय ही कर रहा हूँ और 142 करोड़ लोग जैसा बताते हैं कि और मेट्रो सिटीज़ को छोड़ दीजिए या अपकमिंग मेट्रो सिटी छोड़ दीजिए या कैपिटल्स छोड़ दीजिए या चलो उसमें शाहजहाँपुर हरदोई या सतारा जैसे शहर भी छोड़ दीजिए उसके जब थोड़ा आगे जाते हो ना तो कितनी कठिन हो जाती है ज़िंदगी चाहे वो मीडिया पर्सन की हो एक पत्रकार की हो जिसको जो एरिया में घटनाएं होनी हैं उनको उसे बेस्ट कवरेज में बदलना है और उनके लिए क्या क्या संसाधन है क्या क्या उनके लिए दौड़ भाग की ज़िंदगी है तो वो एक रील के माध्यम से एक यूटिलाइजेशन या बोल सकते हैं इंटरल्यूड हो सकता है क्योंकि हम रियल नहीं कर रहे हैं रील कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं मीनिंग उसका ये दिखेगा कि अगर हमारे बस में एक दिन के लिए आ जाए तो अपने देश के जितने भी गांव के पत्रकार हैं सबकी आजीवन पेंशन बन जाए बहुत कष्ट है और ये सच बात है और उसके माध्यम से एक मनोरंजन के माध्यम से अगर कोई ऐसा कैरेक्टर जो एक क्लास में मास्टर क्लास को बिलोंग करता है और राजपाल यादव के एंटरटेनर के रूप में अगर उसका हिस्सा बनते हैं तो मेरे लिए इससे बड़ा कॉमन मैन प्ले करना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है
और मैं देश के हर समाज के हर कॉर्नर के उस कॉमन मैन को प्ले करना चाहता हूं, ताकि जो लोगों को हंसी भी देता है लेकिन लोगों को रोजी रोटी के संसाधन के लिए कितना एफर्ट करना पड़ता है उसकी तरफ भी इशारा करता है। शेयर, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद द एंटायर कास्ट? सो आई विल टेल यू दैट वन थिंग दैट यू आस्किंग एंड द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी व्हेन आई केम टू बॉम्बे प्रॉब्ली इन माय फर्स्ट ईयर। मैं अपनी एक एक्टर दोस्त के साथ बैठा हुआ था और मैं एक कैफे में था, एंड दैट्स व्हेन गुनीत एंटर द कैफे। आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर दिस, ऑफ कोर्स नॉट, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 4 years अगो, एंड माय फ्रेंड वाज लाइक शी मेट हर एंड शी वाज लाइक वेरी नाइस टू हर एंड एवरीथिंग वाज गोइंग, एंड आई वाज लाइक हु इज शी, एंड शी सेड यू डू नॉट नो हर, एंड आई सेड नो, एंड शी सेड अनंत you better pull your socks, you need to know who people that you need to work with, who are good people working in the industry. She's Guneet Monga, and I'm like, oh okay, nice. So and then I like I'm now fast forwarding it to like 4 years or probably a year ago, that's when I got a call saying that Sikhiya is making this film, and that's I knew that Guneet is part of that, and ha to matlab wo main turant 4 saal pehle gaya aur mera aisa tha yaar वो प्रॉब्लम जो एक थॉट था, एक सीड था मेरे दिमाग में टू वर्क यू नो टू बी एबल टू वर्क विद गुनीत, फाइनली इट्स टेकिंग दैट लिटिल बेबी स्प्राउट। सो या दैट वाज द फर्स्ट आइडिया टू से यस, एंड लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि अच्छा ये कहानी है, एंड यशो इज डायरेक्टिंग इट, धीरे धीरे फिर सबसे मिलना शुरू हुआ, देन आई गॉट टू नो सानिया, सो एवरीथिंग वॉज लाइक ओ माई गॉड, ओ रियली, ओ दिस इज हैपनिंग, ओ दे आर इन्वॉल्व, सो धीरे धीरे वो you know wow factor badhta gaya, and I felt like I am in this, as I earlier said that it's probably a dream team for me, because main bahut chote you know main Nainital se aaya hu, and with a very cliche dream of like you know mujhe filmon mein kaam karna ye sab, so when that happens this is my first film, and I started my web journey with Ekta ma'am actually, so my first web show was for her channel, so yeah, so combining I think wo sab aisa laga ki it was just manifestation of all my wishes, so yeah usme kuch bahut sochna nahi tha ki are kyun main ha kar raha hu iske liye। Congratulations to you and yes. Wish you luck।